एवरीवन, मैं हूँ स्वीटी। वेलकम टू स्वीटी रियल लाइफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा। बिहार का फेमस है लिट्टी चोखा है। उसके लिए मैं ली हूँ 2 कप आटा। उसको पानी डाल के एक स्मूथ डो तैयार करेंगे। देख सकते हैं आप, ऐसे स्मूथ डो तैयार करेंगे। ऐसे आटा हमारी लग चुकी है। ये देखिए, ऐसे आटा लगाएंगे ऐसे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आटा को रेस्ट होने के लिए 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तब तक हम सत्तू बना के तैयार करेंगे। लिट्टी में भरने के लिए मसाले तैयार करेंगे। जो ये मैं चना का सत्तू ली हूँ, मैं सत्तू मसाला बनाने के लिए मैं बिहारी चना सत्तू ली हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये पैकेट। ये जो सत्तू का जो स्वाद होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। ये जैसे घर के बने हुए सत्तू जैसा इसका स्वाद आता है। तो मैं ये ली हूँ बिहारी चना सत्तू। आप भी इसे यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब इसमें डालने के लिए मैं कुछ सब्जी ली हूँ। सब्जी मतलब यानी ये ग्रेट किया हुआ अदरक है। ये लहसुन को मैं बारीक बारीक काट ली हूँ इसे, ये देख सकते हैं आप। और ये हरी मिर्च है, इसको भी मैंने काट लिया है। और ये अजवाइन है, इसको मतलब अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, थोड़ा या कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारे घर पे आम का अचार बनता है, मैंने उसको छोटा छोटा टुकड़ा काट लिया है। और ये स्वाद के अनुसार नमक, आपको जितना कम ज़्यादा नमक कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। अब इन सबको अच्छे से हाथ से ऐसे मिलाएंगे। हाथ से मिलाइएगा तो अच्छे से मिल जाएंगे ये। और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। देखिए, इसमें अभी और पानी डालेंगे हम। इसको पानी डाल के ऐसे ही मिलाएंगे। जब तक मिलाएंगे तब तक थोड़ा सा मतलब एक जगह ये ना हो जाए ज़्यादा। इसमें पानी गीला नहीं करना है, इसको ज़्यादा गीला करने से अच्छा नहीं लगेगा ये। देखिए, हमको ऐसे रखना है सत्तू को। देखिए ऐसे आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम टमाटर को पका लेंगे। चोखा भी बनाना है ना हमको, इसलिए तब तक हम टमाटर को पका लेंगे। इसको गैस पे हम ऐसे रख के पकाएंगे टमाटर को। अब जाली भी यूज कर सकते हैं टमाटर पकाने के लिए, जाली पे और भी अच्छी से पकेगी ये। टमाटर आलू का चोखा बनाने के लिए हमने 4 बॉयल आलू ले लिए हैं। आलू को पहले से बॉयल करके रखी थी मैं। उसको एक बॉल में लेके इसको पूरा इसको मैश कर देंगे, ऐसे पूरा छोटा छोटा कर देंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं रखेंगे, गुठली रखने से चोखा अच्छा नहीं लगता है। इसको पूरा ऐसे हाथों से ये आलू हो गया है। अब इसमें डालेंगे ये कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। जो टमाटर पकाए थे वो टमाटर डालेंगे। और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। अब इन सब को करेंगे मिक्स। ऐसे हाथ से मिलाने की जरूरत नहीं है, आप इसको चम्मच की सहायता से ऐसे मिला सकते हैं। ये जो चोखा है आलू टमाटर की, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है।
बनाने में थोड़ा झंझट है, टमाटर को पकाओ, आलू उबालो, बट खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। अब दे सकते हैं ऐसे ऐसे इसको मिलाएंगे। ये लिट्टी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे रोटी के साथ भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी ये। लिट्टी बनाने के लिए आटा में से लोई तोड़ेंगे ऐसे, ज़्यादा बड़े ज़्यादा छोटे भी नहीं करने हैं, मीडियम साइज का लोई लेना है हमको। इसको ऐसे एक लोई बना लेंगे, उसके हाथों की सहायता से कटोरी शेप में देंगे, इसे कटोरी शेप हो गया। अब इसमें हम जो सत्तू बनाए थे, चना का सत्तू जो बनाए थे मसाले, उसको इसमें हम भरेंगे ऐसे, इसको दबाते हुए ऐसे भरते जाएंगे। इसको ध्यान से भरना है ताकि हमारी ये लिट्टी जो है फटे नहीं। इसको देखिए ऐसे भरना है ऐसे, इसको मुंह बंद करना है। बंद करने के बाद इसको ऐसे करके, जो एक्स्ट्रा है ऊपर का तोड़ भी सकते हैं आप, इसको ऐसे हाथ पे गोल शेप देना है ऐसे, देखिए ऐसे गोल शेप देना है। मैं एक और बार बता देती हूँ आपको, ऐसे इसे कटोरी शेप में देना है लोई को, उसके बाद फिर सत्तू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें भर सकते हैं, आप जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा इसमें सत्तू भर सकते हैं। उसके बाद ऐसे उंगली के सहायता से इसको दबाना है, और दबाने के बाद फिर इसका ऐसे मुंह बंद करना है। आप इसे ध्यान से देखिए, इसको मुंह बंद करना है ऐसे। उसके बाद इसमें आप ऐसे दबा भी सकते हैं, और दबाने से क्या होता है कि ये दिखता है, तो इसको हम काट के इसलिए निकाल देते हैं। अब जैसे पसंद हो आप ऐसा बना सकते हैं इसको। ऐसे ही सारे लिट्टी को हम भर लेंगे। सारे लिट्टू को मैं भर चुकी हूँ, अभी से चलते हैं सेकने के प्रोसेस में। लिट्टी सेकने के लिए मैं एक पैन ली हूँ, ये अप्पे बनाने वाली पैन है, मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था। इसमें लिट्टी बहुत अच्छी सेकती है, इसमें जल्दी भी नहीं है। इसको गैस पर रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, गैस को मीडियम करेंगे, हाई भी नहीं करेंगे। हाई करने से क्या होगा कि इडली जल जाएगी हमारी। मीडियम करके इसको सेंटर में रख देंगे, इससे गर्म होने देंगे। एक गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक करके लिट्टी ऐसे डालेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज इसमें बना सकते हैं, एक एक लिट्टी इसमें डालेंगे। देखिए इसको ऐसे अलट पलट के सेकते रहेंगे। आप चाहते हैं कि आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं अब पकेगा लिट्टी, तो इसको ढक्कन से ऐसे ढक भी सकते हैं। ढक करके एक मिनट छोड़ दीजिए, फिर इसको पलट दीजिए, फिर एक मिनट के बाद फिर पलट दीजिए इसको। मैं यहाँ पे बिना ढके हुए पकाऊंगी ऐसे सबको पलट पलट के। देखिए देख सकते हैं कि यह कैसे फूल गई है लिट्टी। इसको अलटते पलटते ऐसे ही पकाते सेकते जाएंगे, बहुत ही अच्छी पक जाएगी। आप देख सकते हैं इसको। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सारे लिट्टी को ऐसे ही पकाते जाएंगे। ये तीन जो खंडे है उसमें के लिट्टी जल्दी सिक जाते हैं, तब ऐसा भी कर सकते हैं इसको निकाल दीजिए जो सिक गया, इधर का लिट्टी इधर डाल दीजिए, फिर इसमें न्यू डाल दीजिए। ऐसे भी आप जल्दी चाहते हैं तो जल्दी ऐसे भी पक जाएगी। सारी लिट्टी बन के तैयार हो चुकी है,
अब इसको मुलायम करने के लिए, मतलब सॉफ्ट करने के लिए, इसमें हल्का हाथों से इसमें ऐसे घी मिला देंगे, ऐसे सब में घी हम मिला देंगे ऐसे। ये देख सकते हैं लिट्टी चोखा बन के हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए तोड़ के मैं दिखाती हूँ आप लोग सबको। ये देखिए ऐसे ऐसे तोड़ के,